हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स। ये आपको जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट में तो ज़रूरत पड़ेगा ही, साथ साथ आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में फिजिक्स लैब में भी बहुत ही यूज़फुल रहेगा, ठीक है। और ये इवन हर एक स्टूडेंट को इसका यूज़ पता होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में फिजिक्स लैब सबका होगा। तो चलिए इस आसान से इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसका वर्किंग बहुत ही सिंपल होगा अगर हमको एक ये चीज़ यहाँ पे समझ आएगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। देखो यहाँ पे क्या है ना कि जब ये, जैसे मान लो ये कोई पत्थर है, इसका हमको मैक्सिमम ये डायमीटर मेज़र करना है। तो इस पत्थर को जब हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो जॉ है और ये जो जॉ, ये दोनों ओवरलैप करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन ओवरलैप करेगा, और साथ साथ ये जो बॉक्स है ना, इसका जो ज़ीरो है ये वाला, दिस इट विल ओवरलैप विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। तो ये दोनों बॉक्स जो होता है ये स्लाइड करता है, ये दोनों बॉक्स जो है स्लाइड कर रहा है, और यहाँ एक रोलर लगा रहता है जिसके हेल्प से हम इसको स्लाइड कराते हैं। स्लाइड तब तक कराते हैं जब तक ये अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट ना हो जाए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसको टाइट करते हैं, और जहाँ पे ये कम्प्लीट एडजस्ट हो जाता है वहाँ पे इसको हम लोग रोक देते हैं। तो ये जो लेंथ यहाँ पे डी है, एग्जैक्टली इसका जो लेंथ है उतना ही तो ये बॉक्स यहाँ से मूव किया, क्योंकि ये बॉक्स पहले कहाँ पर था, ये पहले बॉक्स था इस जगह पे, अब यहाँ से मूव करके ये यहाँ पे आया, ठीक है। तो जितना इसका लेंथ है उतना ये मूव किया, ये तो नॉर्मल हमको समझ आया। उसके बाद कुछ समझ लेते हैं कि ये जो अपना स्केलिंग कर रखे ये वाला, ये सिंपल जो अपना मेन स्केल रहता है ना, वो जैसे इसका एक डिवीज़न कितना 1 mm के बराबर होता है, तो वही ये स्केल है ऊपर वाला मेन स्केल। और इस बॉक्स के अंदर एक स्केल बना हुआ है, ये ऐसा। तो ये जो स्केल है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो बात है कि यार इसमें नया क्या हो गया ऐसा, तो यहाँ पे एक नया चीज़ ये है कि इस वर्नियर स्केल के बॉक्स में ना टोटल 10 डिवीज़न है, 10 हिस्सा किया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और ये ना मेन स्केल के टोटल 9 डिवीज़न से ओवरलैप करेगा। तो उसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो जब ये वाला ज़ीरो जो है ना वो इस ज़ीरो के साथ टच में होगा ना, तो ये बॉक्स कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है ये कुछ इस तरीके का है। तो ये हो गया इसका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। बट ऊपर में काउंट करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 ही है। तो हुआ क्या कि मेन स्केल के टोटल 9 डिवीज़न में, मेन स्केल का 9 हिस्सा में वर्नियर का 10 हिस्सा पूरा का पूरा ओवरलैप हो रहा है, मतलब उसके बराबर है। तो इस लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, 9 MSD, मतलब मेन स्केल डिवीज़न। ये इसको एक बोलेंगे, इसको एक मेन स्केल डिवीज़न। तो टोटल 9 मेन स्केल है, और इसी में क्या है, 10 वर्नियर स्केल के बराबर है, ठीक है। तो इस चीज़ का यूज़ करके हम इस इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग सीखेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि 1 मेन स्केल डिवीज़न ये कितने के बराबर होता है, सोचो तो ये 1 mm के बराबर होता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न, वर्नियर का 10 टुकड़ा मेन के 9 टुकड़े के बराबर है। तो वर्नियर का एक टुकड़ा कितने के बराबर होगा, 9/10 ऑफ 1 मेन स्केल डिवीज़न, और 1 मेन स्केल डिवीज़न मेरे को पता है कितना होगा, 1 mm। तो ये कितना हो जाएगा, 9/10 mm। और हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1 VSD जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0.9 mm के बराबर। तो अब हमको क्या समझ आया कि मेन स्केल का जो एक हिस्सा है वो 1 mm के बराबर है, और वर्नियर स्केल का एक हिस्सा 0.9 mm के बराबर है। यहाँ तक समझ आया। और क्या याद रखना है कि मेन स्केल का जो 9 हिस्सा होगा, मेन का 9, वो वर्नियर के 10 के साथ पूरा का पूरा ओवरलैप करेगा। अब यहाँ पे एक टर्म हम लोग को याद रखना है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट से हम मिनिमम लेंथ कितना मेज़र कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 1 MSD, मतलब 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो 1 मेन स्केल डिवीज़न कितना है, 1 mm, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना है, 0.9 mm। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 mm। तो यही है अपना लीस्ट काउंट, मतलब इतना मिनिमम लेंथ हम इस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं, इससे कम मेज़र नहीं होगा, ठीक है। और लीस्ट काउंट का एक और नाम है अपने पास, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट। इसका ही एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ तक तो अपने को समझ आया। अब ना यहाँ इसका वर्किंग थोड़ा देखते हैं कि आखिर इन सब चीज़ से हमको क्या ऐसा यूज़ मिल रहा है। तो देखो यूज़ क्या है कि ये जो लेंथ है ना, एक बार काउंट करते हैं, ये 0 है,
1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक 5 हुआ, 6, 7, और 8 है ये, 7 है ये, 8 है ये। इसका मतलब इसका जो लेंथ है ना, मतलब ये डायमीटर जो मैक्सिमम डायमीटर हम लोग मेज़र कर रहे हैं वो 7 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 8 से कम होगा। हम लोग यहाँ तक कन्फर्म है 7 है, और ये छोटा सा जो लेंथ हमको चाहिए ये वाला, अगर हमको ये मिल जाए तो हम उसको 7 में जोड़ देंगे तो वो हमको एक्चुअल लेंथ पता चल जाएगा, कुछ एक्यूरेट भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसको कैसे करना है वो बस अब मैं अगले पेज में जूम करके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आपको ये सारा चीज़ पूरे अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे यही था, ये 7 mm है, ये 8 mm, और ये वन ईयर का वही स्केल है। तो वन ईयर में क्या हुआ देखो, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये अपना वन ईयर वही है। अब वन ईयर में क्या होता है ना, देखो ये जो 0 है ये 10, तो ये 10 जो है वो 9 से मैच कर रहा है, ये 0 जो है 0 से मैच कर रहा है। अच्छा, इन दोनों के अलावा ना बीच में कोई भी मैचिंग नहीं हो रहा है, देख लो, ना ये इससे मैच किया ना ये इससे मैच किया, कोई भी एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है। सिर्फ कौन सा, आखिरी और पहला जो है ओवरलैप हुआ है, ठीक है। तो जब ये आगे खिसकता है ना, अब देखो इसका 0 तो किससे मैच नहीं किया और ना ही इसका लास्ट वाला, तो इसके बीच में हमको ढूंढना रहता है कहीं ना कहीं ओवरलैप होता है। तो यहाँ पे साफ साफ हमको दिख रहा है कि ये ओवरलैप हुआ। अब ये कौन सा दिया रहेगा, क्वेश्चन में हमेशा वन ईयर से काउंट करते, तो वन ईयर का देखो ये 0 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, तो क्वेश्चन में लिख देगा कि फिफ्थ वन ईयर का फिफ्थ जो है, फिफ्थ डिवीज़न जो है वो कौन साइड कर रहा है, ठीक है, फिफ्थ डिवीज़न कौन साइड्स। अब इसका हम लोग हेल्प क्या करेंगे, देखो मेरे को चाहिए ये छोटा सा डेल्टा, तो हम उसको 7 में जोड़ेंगे तो हमको एक्चुअल लेंथ पता चल जाएगा। अब मेरे को बताओ ये जो लेंथ होता है ये 0.9 mm होता है वन ईयर का एक, तो यहाँ से यहाँ अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 5 वन ईयर का है। देखो तो ये जो लेंथ है ये क्या है, 5 वन ईयर स्केल डिवीज़न। चलो ये तो निकल गया, अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ यहाँ तक, देखो जो कॉन्साइड किया है उससे ही हमको काउंट करना है, और एक बार हम यहाँ से कर लेंगे तो ये 5 वन ईयर स्केल मिल जाएगा, और एक बार यहाँ से कर लेंगे तो 5 मेन स्केल मिल जाएगा। तो ऊपर वाला जो यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना इस जगह से, वो यहाँ से यहाँ तक हमको मिला 5 मेन स्केल डिवीज़न। अब मेरे को बताओ कि ये छोटा सा डेल्टा क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक 5 मेन स्केल, यहाँ से यहाँ तक 5 वर्नियर स्केल, तो ये छोटा वाला पार्ट कितना हो गया, दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये जो छोटा सा जो डेल्टा या एक्स अगर हम इसको बोले, ये एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 5 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 5 वर्नियर स्केल डिवीज़न, ठीक है। तो अगर 5 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, ठीक है। अब 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीस्ट काउंट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट हमको पता है क्या होता है, 0.1, तो 5 इंटू 0.1 mm, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आएगा 0.5 mm, ये छोटा सा जो वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं कि मान लो ये 7th रहता, ये 7 टकराता, तो ऊपर में 7 मेन स्केल डिवीज़न आता, नीचे में 7 वर्नियर स्केल डिवीज़न, तो ये छोटा वाला पार्ट कितना आता, 7 माइनस 7, तो 7 कॉमन लेते तो 7 इंटू लीस्ट काउंट आता। इसका मतलब समझ रहे हो कि जो भी कॉन्साइड करेगा उतना इंटू लीस्ट काउंट ही ये छोटा सा लेंथ होगा। अगर 4th टकराता तो ये लेंथ कितना होता, 4 इंटू लीस्ट काउंट। अगर 8th टकराता, 8 इंटू लीस्ट काउंट। 5 टकराया, 5 इंटू लीस्ट काउंट। तो ये छोटा सा लेंथ बचा रह जाएगा ना हमेशा, उसके लिए अब हम हमेशा ये नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली देखेंगे कौन सा टकराया, इंटू लीस्ट काउंट हम कर देंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में जो मेरा लेंथ है वो कितना हो जाएगा, मतलब लेंथ जो उस पत्थर का मैक्सिमम डायमीटर अगर हमको मेज़र करना है तो 7 mm तो पहले तक था, और प्लस ये छोटा सा जो हो गया वो 0.5 mm, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 7.5 mm, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट उससे पहले एरर देख लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स में जो एरर होता है उसको कैसे समझते हैं। तो ये बेसिक चीज़ मेरे को आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। एरर में आते हैं, एरर क्या होता है, देखो अगर एकदम न्यू वर्नियर स्केल है तो क्या होगा, इसका 0 0 कॉन्साइड करेगा और इसका 9 और 10 कॉन्साइड करेगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये जो स्केल है ना ये जो है विथ नो एरर या नो ज़ीरो एरर, मतलब एक्यूरेट, ठीक है,
मतलब हमको एक्यूरेट कैसे देखना है कि वर्नियर का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो अगर टकरा जाए, अगर हम सकें तो इसको तो टकराना चाहिए। अब क्या हो गया, निगेटिव एरर में आते हैं। निगेटिव का मतलब क्या होगा ना, देखो निगेटिव मतलब ये समझो कि यार वर्नियर स्केल को रहना चाहिए था यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जब यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लगाएं तो इसका जॉ मान लो यहाँ से थोड़ा खुरदुरा हो चुका है, घिस गया है, तो ये वर्नियर स्केल इसके आगे चला गया, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में। इसको अगर एक्स एक्सिस बोले ना तो इसके निगेटिव डायरेक्शन में आगे चला गया, तो इसलिए इसका नाम हम लोग निगेटिव लिख सकते हैं। निगेटिव एरर मतलब इसके पीछे तरफ चला गया। तो यहाँ पे जो शिफ्ट हो रहा है ना वो वर्नियर का इस तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, वर्नियर जो एक्स्ट्रा आगे आ गया वो पीछे की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, तो कितने का एरर हो गया, ये छोटा सा जो आया, तो यहाँ पे एक बार देखेंगे कि कौन सा टकरा रहा है। ठीक है, तो टकराया कौन सा, देखो थर्ड वाला, ये पार्ट, ये कौन सा ऐड कर रहा है। तो अगर मैं तुमको बोलूँ कि ज़रा इस वैल्यू को निकालो तो कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ। एक दो तीन, नीचे का तीन वर्नियर स्केल है, डिवीज़न है, ऊपर का दो क्या है, मेन स्केल। तो नीचे का जो होगा ये पार्ट, ये हो जाएगा 3VSD, ऊपर का जो होगा वो हो जाएगा 2MSD। ज़रा माइनस करो तो डेल्टा के लिए, तो 3VSD मतलब 3 × 0.9 माइनस 2MSD मतलब 2 × 1, तो ये कितना आ जाएगा 2.7 माइनस 2, इट विल बी 0.7 mm। अब यार 0.7 mm क्या होता है सोचो, तो इसका टोटल डिवीज़न कितना है, टोटल वर्नियर का डिवीज़न होता है 10, कौन साइड कौन किया, तीसरा। तो हम लिख सकते हैं कि निगेटिव एरर का जो डेल्टा निकलेगा ना वो टोटल डिवीज़न, टोटल डिवीज़न माइनस कॉन्साइडिंग डिवीज़न कर दो, बार बार ये देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इनटू लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे कौन सा टकराया सोचो, तो तीसरा टकरा रहा था, लेकिन आंसर क्या आया 0.7। तो यही ट्रिक हम लोग निकालें, ये क्या हो जाएगा, टोटल डिवीज़न 10 होता है माइनस तीसरा टकराया, इनटू लीस्ट काउंट अगर कर दें तो कितना हो जाएगा 7 इनटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट 0.1 होता है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0.7 mm। तो निगेटिव एरर का ये चीज़ बहुत ही ध्यान देना, ये फॉर्मूला, कि अगर मान लो यहाँ पे 6th टकराता तो एरर कितने का होता, 10 - 6 इंटू लीस्ट काउंट। जब भी वर्नियर का जो ज़ीरो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होता है ना, तो निगेटिव एरर में ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। पॉजिटिव एरर में क्या होगा कि जो वर्नियर स्केल है ना वो आगे की तरफ ही रह गया, मतलब पूरा ज़ीरो की तरफ नहीं आ पाया, तो ये आगे की तरफ रह गया। अब इसमें आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि यहाँ पे देखो, जैसे मान लो इसको अगर हम जूम करें ना, देखो तो कौन सा टकरा रहा है, कौन सा डिवीज़न कौन साइड कर रहा है, देखो ज़रा, तो ये आठवां, मेरे को तो आठवां दिख रहा है, ये कौन साइड कर रहा है, तो ये छोटा सा ही तो एरर है, इतना ही से वो आगे घिसक गया है, तो ये एरर निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर में 8 MSD, नीचे में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे में 8 VSD। तो यहाँ पे अपना ना कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से लग जाएगा कि ऊपर जो है वो है 8 MSD और नीचे जो है वो है 8 VSD। तो क्या हम फिर से वही लिखते हैं कि ये जो छोटा सा जो एरर है ना, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, 8 MSD माइनस 8 VSD। तो 8 अगर कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू लीस्ट काउंट होगा, यहाँ का डेल्टा क्या हो जाएगा, 8 MSD माइनस 8 VSD, तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू लीस्ट काउंट। तो इसको हम क्या लिख दें, इसका अपना फॉर्मूला क्या बनाएंगे, कि जो डिवीज़न कॉन्साइड किया ना, कॉन्साइडिंग डिवीज़न इंटू लीस्ट काउंट, तो पॉजिटिव एरर थोड़ा सा आसान हो गया। अब हम याद करा रहे हैं, निगेटिव एरर आए मतलब वर्नियर का ज़ीरो अगर पीछे की तरफ शिफ्ट हो, एरर निकालना है, टोटल डिवीज़न देख लो कितना है, माइनस कौन साइड, तीसरा टकरा रहा है, तो 10 - 3 करना पड़ेगा इनटू लीस्ट काउंट। पॉजिटिव मतलब आगे की तरफ इसका ज़ीरो शिफ्ट हो रहा है, तो जो टकराया, जैसे आठवां टकराया, 8 इनटू लीस्ट काउंट कर दो, क्योंकि हमको दिख रहा है 8 MSD माइनस 8 VSD, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 mm का डिफरेंस है। अब बस एक चीज़ ध्यान देना ना, कि ये तो एरर हमने निकाल लिए, अब इस इंस्ट्रूमेंट से जब हम वैल्यू मेज़र करेंगे ना, तो ये वैल्यू ना ये पहले से आगे घिसका हुआ है, मतलब सोचो एक ऐसा एमीटर मेरे पास है जो पहले से 0.3 एम्पियर शो कर रहा है, और इसको जब हम मतलब सर्किट में लगाएं तो ये शो किया 1.4 एम्पियर, तो 1.4 तो आंसर नहीं होगा, पहले से ये 0.3 शो कर रहा है, तो 0.3 तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1.4 माइनस 0.3। तो ये जो पॉजिटिव एरर है ना,
ये पहले से आगे शिफ्ट है, क्योंकि इसको जाना भी आगे ही था और ये आगे ही शिफ्ट है। तो ये जो पॉजिटिव एरर आता है, इसका करेक्शन के लिए, मतलब जो हम एक्चुअल में करेक्शन करेंगे, तो करेक्शन कैसे करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि ये पहले से आगे खिसका हुआ है, तो जो हमको मेजर्ड वैल्यू मिलेगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ये जो निगेटिव एरर है, निगेटिव वाले में क्या करना पड़ेगा कि हमको जब करेक्शन करेंगे इसका करेक्शन, तो हमको प्लस करना पड़ेगा। निगेटिव के करेक्शन के लिए वी हैव टू ऐड दिस एरर। क्यों? क्योंकि यार ये ना इधर के तरफ शिफ्ट हो गया है, हमको वैल्यू तो यहाँ से मिलेगा इसके रेफरेंस में, और ये पहले से इधर शिफ्ट है, तो ये जो है, ये वाला एक्स्ट्रा जो पीछे शिफ्ट हो चुका है ना, जैसे मान लो वो एमीटर जो है ना वो -0.3 रीड करे, ठीक है, पहले ही, मतलब कुछ भी नहीं लगाएं तो 0.3 रीड करा, और रेजिस्टेंस लगाएं तो ये 1.4 रीड किया, तो यार -0.3 को 1.4 तक पहुंचा है, मतलब एक्चुअल में तो 1.7 है ना, तो ऐसे सोचना है। तो निगेटिव जो पीछे के तरफ शिफ्ट होता है ना, वो एरर को हमको जोड़ना पड़ जाता है एक्चुअल वैल्यू में, और जो पहले से आगे रहता है उसको सब्ट्रैक्ट। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और बस 3, 4, 5 न्यूमेरिकल से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये मेरी गारंटी रहेगी कि आप क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। ओके, तो यहाँ पे अपने पास जो पहला न्यूमेरिकल है वो ये है कि इन अ वर्नियर कैलिपर वन मेन स्केल डिवीज़न इज़ एक्स सेंटीमीटर। इस डेटा को पहले ही मैं लिख लेता हूँ कि वन मेन स्केल डिवीज़न मतलब 1 MSD जो अपने को दे रखा है ना, वो एक्स सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद एन डिवीजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कॉन्साइड विथ n-1। इसका क्या मतलब है ना कि वर्नियर स्केल में ना, अब ये देखो जब भी n और n-1 आ रहा है, इसका मतलब अपना स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर नहीं है। स्टैंडर्ड में क्या होता है, 9 मेन स्केल और 10 वर्नियर स्केल, ये स्टैंडर्ड है। कुछ भी ना दे तो हम लोग ये लेके चलेंगे, बट कुछ अगर क्वेश्चन में पहले से चेंज दिया हुआ है तो हम लोग इसको लेना पड़ेगा। तो 9 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल मतलब 9 वर्नियर स्केल डिवीज़न, कॉन्साइड्स मतलब उसके बराबर होगा कितना, n-1 मेन स्केल के बराबर। तो हम लोग को क्या दे रखा है कि n वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीज़न, ठीक है। और फिर क्या पूछा है कि द लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर। अब सोचो यार लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, 1 मेन स्केल डिवीज़न -1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। बहुत ज़्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन आने का जेई मेंस में लीस्ट काउंट निकालने के लिए। तो यार देखो 1 MSD मेरे को पहले ही दे रखा है, अगर मेरे को 1 VSD मिल जाए तो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और उसके लिए ये रिलेशन दिया हुआ है यार n VSD n-1 MSD के बराबर है। पहले तो मैं सारे स्टूडेंट को बोलूँगा खुद से ट्राई करो और ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, अगर नहीं आ रहा है तब फिर यहाँ पे देखो। तो अगर मैं 1 VSD निकालूँ तो ये कितना होगा, n-1 / n (1 MSD) इतने के बराबर होगा, और 1 MSD कितने के बराबर है, 1 MSD जो है वो x के बराबर है, तो ये आ जाएगा n-1 / n (x cm), ठीक है। अब मैं आता हूँ लीस्ट काउंट पे, लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1 MSD - 1 VSD। ज़रा सॉल्व करते हैं, तो 1 MSD कितना है, x - 1 VSD कितना है, इसको ऐसा लिख लो nx - x / n। तो इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा x / n, दैट इज़ थर्ड ऑप्शन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी सिमिलर टाइप का है, इसमें अपने को एक लेंथ भी कैलकुलेट करना है। तो द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज़ कैलिब्रेटेड इन mm, ठीक है, mm में दिया हुआ है, एक एक mm मान लो, ठीक है, mm मतलब उसका एक जो डिवीज़न है वो mm स्टैंडर्ड। और 19 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू 20 डिवीज़न। पहले लाइन में ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, मेन स्केल का 19 जो है वो वर्नियर के 20 के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग पहला जो सॉल्व करेंगे कि 1 मेन स्केल डिवीज़न क्या दिया हुआ है, वो लिख दिया है कि हम लोग mm में लिए हैं, कैलिब्रेटेड इन mm, इसका मतलब सबसे छोटा यूनिट जो है वो 1 mm के बराबर है। उसके बाद अपने पास क्या डेटा है कि 19 मेन स्केल डिवीज़न जो है वो 19 मेन स्केल डिवीज़न वो 20 वर्नियर स्केल के बराबर है। तो मेरे को बताओ कि 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न ये कितने के बराबर आ जाएगा, 19/20 मेन स्केल डिवीज़न, और मेन स्केल डिवीज़न मतलब 1 mm, तो ये कितना आ जाएगा, 19/20 mm, ठीक है। तो अगर अब मैं लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लगाऊं तो ये कितना हो जाएगा, 1 MSD - 1 VSD। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा
1 mm माइनस 19/20, 19/20 mm, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.05 आई थिंक, 0.005 ऐसा, हाँ 0.05 mm, या तो लिख दो सेंटीमीटर में 0.005 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में पूछा है तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सेकेंड जो हम लोग को बनाना है वो क्या बनाना है कि इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर बाई दिस इंस्ट्रूमेंट द मेन स्केल रीड्स 35 डिवीजन। जो याद है मैं पहले थ्योरी में जो बताया 7 और 8 वाला, तो यहाँ पे ना 35 आ गया, मतलब 35 तो रीड कर रहा है लेकिन 36 रीड नहीं कर पाया, 35 के बाद वो वर्नियर स्केल बीच में फंसा हुआ था और उसमें फोर्थ वाला कॉन्साइड किया। तो एक बार आंसर निकालने का ट्राई करो, उसी का ना रेडियस पूछ रहा है, तो हमको जो लेंथ मिलेगा वो तो 2r मिलेगा, क्योंकि हम बीच में ऐसा करके जब फंसाएंगे तो मेरे को तो ये लेंथ मिलेगा। तो एक्चुअल में जो लेंथ मिलेगा ना वो 2r जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 35 mm तो पहले ही है, उसके बाद फोर्थ कॉन्साइड कर रहा है, तो छोटा सा लेंथ कितना हो जाएगा, फोर्थ इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो 2r जो आएगा, और अपना इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.05 mm, तो इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करो तो ये 0.2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 लीस्ट काउंट, देखो यहाँ से पुट करो लीस्ट काउंट mm में, यहाँ पे पुट कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करो मतलब 0.2 आ जाएगा, तो 35.2 आएगा, ये 35.2 mm। तो जो रेडियस आ जाएगा ना वो कितना आ जाएगा, 35.2/2, तो ये आ जाएगा 17.6 mm और 1.76 सेंटीमीटर। देखो जिनको समझ नहीं आया मैं ये कैसे किया ना, उसके लिए मैं एक बार ये बना दे रहा हूँ कि ये ना अपना ऐसा है, यहाँ पे अपना वर्नियर स्केल आया और ये ना 35 तो रीड किया लेकिन 36 के बीच में ये फंस गया, और उसका दिया कि इसका फोर्थ, 1, 2, 3 फोर्थ जो है इसके किसी से कॉन्साइड कर गया फोर्थ। तो याद है मैं कैसे निकाला, 35 तो था ही, और ये छोटा सा जो डेल्टा होगा वो कितना था जो कॉन्साइड किया, इतना इंटू लीस्ट काउंट ये वाला, और आगे में जो हम सिलेंडर फंसाए हैं वो तो डायमीटर मेज़र कर रहे हैं ना, तो इसीलिए ये 2r में लिया, अगर डायमीटर पूछता तो मैं डायरेक्टली इसको d लिख देता, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ आया, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो ये दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज़ डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट, ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर को 10 मेन स्केल डिवीज़न हम कर दिए। तो यहाँ से तो आसान है कि 1 मेन स्केल डिवीज़न कितना आ जाएगा, वही 1 mm जो अपना स्टैंडर्ड होता है, देख लो ये कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर होगा ना, सेंटीमीटर को हम 10 mm लिख सकते हैं, तो ये 1 mm के बराबर 1 मेन स्केल। 10 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड बिट 8 स्मॉल डिवीज़न, तो बहुत ही आसान है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न दे रखा है कि ये ना 8 मेन स्केल से टकरा रहा है। अब यार 8 मेन स्केल मतलब एक जो मेन स्केल है वो 1 mm के बराबर है, तो 8 कितने के बराबर होगा, 8 mm। तो यहाँ से निकाल लो 10 VSD इज इक्वल्स टू 8 mm, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना होगा, 8/10 मतलब 0.8 mm। तो जो लीस्ट काउंट आएगा इसका फॉर्मूला वो सेंटीमीटर में पूछ रहा है, ध्यान देना ये इन सेंटीमीटर, पर पहले तो मैं mm में निकालूंगा, तो फॉर्मूला है 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 MSD अपना 1 mm माइनस 0.8 mm, तो ये आ जाएगा 0.2 mm। 0.2 mm को सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.02 mm, ठीक है। तो ये भी लीस्ट काउंट, अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें भी लीस्ट काउंट का ही है, ठीक है। तो इसको करते हैं कि ना वर्नियर कैलिपर ईच सेंटीमीटर ना मेल स्केल इज़ डिवाइडेड इंटू 20 इक्वल पार्ट्स। अब यार 1 सेंटीमीटर को 20 बराबर हिस्सा में बांट दिए, तो जो एक हिस्सा होगा उसका लेंथ कितना होगा, तो 1 मेन स्केल डिवीज़न जो होगा वो कितना होगा, देखो 20 डिवीज़न्स 1 सेंटीमीटर का किए, तो 1 डिवीज़न जो होगा वो 1/20 सेंटीमीटर होगा, तो उसको हम क्या लिख दिए, 1/20 सेंटीमीटर, या तो 10 से मल्टीप्लाई करो, और 10/20 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को क्या मैं 0.5 मिलीमीटर लिख दूँ, तो 1 मेन स्केल जो है वो 0.5 के बराबर है। अब देखो टकराने वाला दिया होगा, इफ़ 10th वर्नियर स्केल कॉन्साइड्स विथ 9th मेन स्केल, ठीक है, मतलब 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है
वो 9 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर है। तो एक वर्नियर स्केल कितना आ जाएगा, 9/10 इंटू 1 MSD, और 1 MSD कितना है, 0.5 mm। तो ये पता है कितना आ जाएगा, एक जो आएगा ये आ जाएगा 0.45 mm 1 VSD। तो पूछा है वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, लीस्ट काउंट, ठीक है। तो मेरे को भी यहाँ पे भी क्या निकालना है, लीस्ट काउंट। तो चलो लीस्ट काउंट निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो ये क्या हो जाएगा, 1 MSD जो अपना 0.5 mm माइनस 0.45 mm। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लो मतलब कितना आ जाएगा, 0.05 mm आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 10⁻²⁰ mm, ठीक है। तो यही वो पूछ रहा है कि डैश इंटू 10⁻²⁰ mm, तो डैश की जगह 5 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा। ये सारा जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अब मैं आपसे, हम लोग लास्ट क्वेश्चन एक मिल के करते हैं, इसमें थोड़ा सा एरर वाला पार्ट है। एक एक लाइन को पढ़ो और ध्यान से डेटा बस लिखते रहो, ठीक है। द मेन स्केल ऑफ वन ईयर स्केल रीड्स इन मिलीमीटर। साफ साफ पहला लाइन में ही दे दिया कि एक मेन स्केल जो रहेगा वो मिलीमीटर है, तो 1 मेन स्केल जो होगा, 1 मेन स्केल डिवीज़न इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर, ओके। एंड इट्स वन ईयर इज डिवाइडेड इनटू 10 डिवीज़न विच कॉन्साइड्स विथ 9 डिवीज़न ऑफ द मेन स्केल। तो देखो 10 और 9 जब भी आए ना, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड वन ईयर कैलिपर है। तो 1 VSD डायरेक्टली तुम याद कर लो कि जब पहला जो एकदम पेज में बताया था, जब ये 1 mm था तो ये 0.9 आया था। देख लेना पहला जो पेज तुम बनाए, तो उसका लीस्ट काउंट हम लोग को तो याद हो जाएगा, ये 0.1 mm के बराबर है, ठीक है। ठीक है, अगर पूछता तो व्हेन द टू जॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टच ईच अदर द 7th डिवीज़न ऑफ द वर्नियर स्केल कॉन्साइड विथ अ डिवीज़न। अब यार 7th टकरा रहा है, मतलब ये ना एरर है कि जब ये जॉ को टच कर गया, ऐसा ये जॉ ऐसा टच कर गया, तब तो इसको 0-0 का टकराना चाहिए था, लेकिन 7th कॉन्साइड कर रहा है। अब यार ये 7th जो है वो इसका 0 इसके आगे घसका है तो पॉजिटिव एरर होगा, पीछे घसका है तो निगेटिव एरर होगा। उसके लिए आगे बढ़ते हैं कि 7th डिवीज़न कॉन्साइड विथ स्केल डिवीज़न एंड द 0 ऑफ द वन ईयर स्केल लाइज टू द राइट ऑफ द 0 ऑफ द मेन स्केल। इसका क्या मतलब है कि वो उसके आगे है, मतलब कुछ इस तरीके का अपने पास बना। तो मैं क्या बता सकता हूँ कि ये मान लो अगर 0 है मेन का ना, तो ये 0 वन ईयर का है, और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि 7th वाला कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, ये कौन सा एरर हुआ पहचानो, ये है पॉजिटिव एरर, याद है आगे घसक गया। तो पॉजिटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, जो टकराया उसको ही लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 × लीस्ट काउंट मतलब कितना आ जाएगा, 0.7 mm। चलो ये एरर है। अब पॉजिटिव एरर में ध्यान दो कि यार ये रीडिंग ना स्केल पहले से बता रहा है, तो जो मेजर्ड वैल्यू आएगा ना उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, अगर ये समझ आए तो बस वही पूछेगा ना, ये एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा होगा। अब देखो व्हेन अ सिलेंडर इज टाइटली प्लेस्ड, तो बीच में एक सिलेंडर जिसको मेजर करना है, तो अलॉन्ग इट्स लेंथ बिटवीन टू जॉस द 0 ऑफ द वन ईयर स्केल लाइज स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ 3.2 cm। लेफ्ट बोल रहा है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और खेल है कि यार 3.1 के ना पीछे लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो ये 3.1 है, 3.2 है और ये सेंटीमीटर है, ये भी ध्यान रखना। तो इसका लेफ्ट में इसका 0 लाई कर रहा है, चलो ड्रॉ कर दिए, ध्यान से इस वर्ड को पकड़ना, लेफ्ट ऑफ 3.2 cm और 4th डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी 4th अपना होगा वो टकराया, 4th यहाँ पे कॉन्साइड किया। तो मेरे को वैल्यू बताओ, ये जो छोटा सा डेल्टा आता है ये कितना आता है, 4 × लीस्ट काउंट आता है। तो हम लोग जो अभी इस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किए ना, मेजर्ड वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3.1 cm, सेंटीमीटर में दे रखा है, प्लस 4 × लीस्ट काउंट, ठीक है, ये ऐसा आएगा। तो ये कितना आ जाएगा सोचो, 31 mm इसको लिख दो, प्लस 4 × लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 mm, तो ये आ जाएगा 31.4 mm, इतना तो आया। लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या होगा सोचो, इस इंस्ट्रूमेंट में तो पहले से कुछ रीडिंग शो कर रहा था ना ये वाला, तो इसको तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 31.4 mm माइनस 0.7 mm, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 30.7 mm। लेकिन आंसर तुमको किसने पूछ रहा है, सेंटीमीटर में, तो 10 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 3.07 cm, ठीक है।
तो आई होप ये सारा चीज़ आपको समझ आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब मैं रेगुलर कंटेंट इस पर डालूँगा। ऑल द बेस्ट।